राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजमगढ़ सराय में पत्रकार ने भ्रष्टाचार का किया खुलासा तो चेयरमैन ने दिया धमकी, पत्रकारों में भारी आक्रोश। जहां सरकार आए दिन पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला एक उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत सरायमेर के महान व काबिले तारीफ चेयरमैन पति ने पत्रकार को फोन पर धमकी दे दिया। सरकारी कर्मचारी को मिला ग्राम सभा में नगर पालिका का आवास, पत्रकार को दे दिया धमकी। लिखित कार्रवाई एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रश्न प्रहार से भयभीत होकर सरायमेर का युवा पत्रकार को नगर पंचायत सरायमेर चेयरमैन पति राम प्रकाश यादव ने दी धमकी। नगर पंचायत सरायमेर द्वारा किया गया खेल नगर पंचायत सरायमेर में नियुक्त सरकारी कर्मचारी के द्वारा नगर पंचायत सरायमेर विभाग के अधिकारियों के मिली भगत से पत्नी के नाम ग्राम सभा के जमीन पर नगर पंचायत द्वारा शहरी आवास योजना का पैसा आवंटित कराकर ग्राम सभा की जमीन पर मकान बनाकर वेरीफाई भी करा दिया। इसी संबंध में जब लिखित कार्रवाई एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने चेयरमैन एवं अधिशासी अधिकारी से अपना प्रश्न शुरू किया तो बौखलाए चेयरमैन ने युवा पत्रकार सरायमेर को धमकी दे डाली एवं पत्रकारिता छुड़ा देने की बात भी कर डाला। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। मैं नीरज कुमार प्रजापति पेशे से पत्रकार हूँ, आजमगढ़ सरायमेर पोखर मेरा घर है। मेरे मोबाइल पर पूर्व चेयरमैन राम प्रकाश यादव जी द्वारा ये कॉल आया जिस पर धमकी भरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, उसी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। और उस पर पूर्व चेयरमैन राम प्रकाश यादव जी बोले, दुकान पर रहो, अभी आपके बताता हूँ। मेरे दुकान पर आए, भद्दी भद्दी गालियाँ दी माँ बहन की और बोले कि अगर तुमको रहना है पूना पोखर, पत्रिका छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्रिका छोड़वा दूँगा। और ये भी कहे अगर पूना पोखर में रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो पूना पोखर से उखड़वा के फेंकवा दूंगा, घर दुवार बचेगा नहीं तुम्हारा। इस तरह का मुझको धमकी मिल रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई भी आपत आती है मेरे परिवार के ऊपर, इसके पूरे जिम्मेदार पूर्व चेयरमैन राम प्रकाश यादव जी होंगे। कहाँ है नीरज? घरे दुकनिया पे। घरे हुआ है कि है? नहीं, दुकनिया पे। लड़के वाले पे नहीं है, दुकनिया पे बगलिया में। अशोक मौर्य के ना, अशोक मौर्य के ग्राम सभा में आवाज पास भेलो। कैसे पास भेलो? है कहाँ रुक, हम तुके बताओ थे कहाँ कैसे पास भेलो। तही पूरा मालिक हो गए तनी बेर ने, बहुत उड़ उड़ के बहुत देखा दिया पत्रकारिता करे थे। तो ठीक है, आवा मैं दुकनिया पे बाटो, रुक आवत लब। पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।